दिस इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। मेरे को आधा घंटा में वापस आना है वरना गेट बंद हो जाएगा। आखिर हम लोग आ गए रिदिल लेक जो म्यांमार के अंदर है। मिजो इंडियन फॉरेन सर्विस। मिजोरम के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग। मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा खराब रास्ते और बारिश से होते हुए 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके मैं आखिर चंपाई पहुंच ही गया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिजो इतिहास के बारे में, देखेंगे स्टोन पेंटिंग, पुरानी गुफा और सुनेंगे लियन चराई की प्रेम कहानी। आखिर में हम लोग जाएंगे रिदिल लेक जो म्यांमार में है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं चंपाई और उसका सराउंडिंग्स देखने। तो मुझे एक भैया मिले, उनका नाम है पुया, और वो मुझे सारा एरिया दिखाएंगे। दिस इज पुया। हाय। एंड वी आर गोइंग टू दुंगतांग विलेज टू सी रिशियल लुंगलेंतांग। इट इज अ मिजो प्लेस वेयर देयर इज मोस्ट ऑफ पीपल आर गोइंग। वी आर गोइंग टू म्यांमार बॉर्डर एंड बंगसी विलेज। लेट्स गो। ये एक छोटा गांव है जिसका नाम दिलकवान है। ये जो पुया है उनके आंटियाँ रहती हैं, उनके घर आए हुए हैं, उनको ऐसे चाय पीने के लिए इनवाइट किए हैं। ये उनकी छोटी बेटी है। बाय बाय दूल्हा। बाय बाय। Here it is written as Mangtha, which means goodbye in Mizo language. कल रात को इतना बारिश हुआ है कि ऊपर से झरना बन गया, वाटरफॉल टाइप। हम लोग यहाँ पे अभी फंसे हुए हैं कि हम लोग के सामने गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। We are entering the village Dungtlang. तो हम लोग लियन चराई पहुंच गए हैं और ये आप इसका व्यू देखिए। इसका स्टोरी ये है कि लियन चराई एक लड़की थी और वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, बट उसका फैमिली माना नहीं शादी के लिए। वो दूर उस कोने में एक गांव इस पहाड़ के पीछे, बॉयफ्रेंड वहां पे माइक चला गया, तो वो लड़की इस जो निकला हुआ है इस पर बैठ के हमेशा उसको देखा करती थी, इसीलिए प्लेस का नाम ही पड़ गया लियन चराई। तो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में मॉन्यूमेंट है, यहाँ के लोकल बोले कि ऊपर में एक मॉन्यूमेंट है, वहाँ जाके देख लो। सो दिस इज सम सिमेट्री मेमोरियल साइट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल्स फ्रॉम मिजोरम। दिस इज द फर्स्ट मिजो इंडियन फॉरेन सर्विस। हम लोग वांगचिया जा रहे हैं, जो एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहाँ पे 171 मेन्हिर स्टोन्स है। और उसके जाने के पहले बीच में एक गांव पड़ता है साजेब करके। ये मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया, ये केटल शेप्ड का वाटर टैंक। यहाँ से समवेयर वेंचिया 14 किलोमीटर्स है। एक्चुअली जब मेरा प्लान हुआ वेंचिया जाने का, तो मेरे जो लोकल होस्ट हैं, या आप बोल सकते हैं जिस लॉज में रुके हैं, उसमें का एक बंदे बोल रहे थे हमको कि दिस इज़ द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द मिजोरम, जहाँ आज हम लोग शाम को जाएंगे। This is the main gate and this Wangchai is nothing but a tribe. ये एक tribe का नाम है, जहाँ पर ये area में पहले ये tribe के लोग basically रहते हैं। Actually ये जो gateway है, ये Mizo history और Mizo culture के लिए बहुत important factor है, और बहुत important इसलिए क्योंकि बोला जाता है कि जो मिजोरम में जो मिजो पीपल आए थे वो म्यांमार से यहाँ पर आके सेटल हुए थे। तो सामने जो माउंटेन है वो म्यांमार है, वहाँ से लोग यहाँ पर आए थे। ये एक्चुअली मैप है जो चंपाई से डायरेक्ट म्यांमार तक का है। ये बैथल है जहाँ से हम लोग आए हैं चंपाई, जाते हुए हम लोग यहाँ पे हैं भैया, और ये एंट्री हो जाता है, ये पूरा एरिया आ जाता है म्यांमार का। ये सामने लिखा हुआ है कछुआ रूपी, जिसका मतलब है द बिगेस्ट एंट्रेंस। और एक चीज दिखा, ये उस जमाने का घर लग रहा है जहां पे लोग आते थे और रह सकते हैं रात को। ये आपको जो पहाड़ दिख रहा है दूर में,
और उधर में वो एक्चुअली म्यांमार है, और वहीं से ये जो पहाड़ का नाम है इसको सब चिन हिल बोलते हैं। चिन इज़ अ ट्राइब नेम, तो जो ट्राइब वहाँ से पहले इस साइड में आया था उसको चिन नाम था, तो उसके नाम से ये पहाड़ पड़ गया चिन हिल। हम लोग अभी इंडिया का लास्ट डिस्ट्रिक्ट जोक्तवार में है, ये यहाँ के बाद आगे से आपका म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार कंट्री स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ जाने का, देखेंगे कि वहाँ रिकॉर्डिंग करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सामने जो आपको घर दिख रहा है वो म्यांमार पड़ता है, और ये है आपका इंडिया साइड। दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। नाउ आई एम इन म्यांमार साइड, म्यांमार के साइड में हम आ गए हैं, और यहाँ पर हम रिदिल के लिए एक इस टाइप का बाइक बुक किए हैं। इसका रेट है अराउंड 500 ले रहा है, जो अप एंड डाउन कराएगा। मेरे को आधा घंटा में वापस आना है वरना गेट बंद हो जाएगा। आखिर हम लोग आई गए रिदिल लेक, जो म्यांमार के अंदर है। ये जो लेक है ना, ये पूरा हार्ट शेप में है, और अकॉर्डिंग टू मिजो कल्चर जब कोई मरता है तो ये लेक के थ्रू ही वो हेवन या हेल में जाता है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से कि इस लेक का कोई सोर्स नहीं है, कि पानी कहाँ से आ रहा है इसका कोई पता नहीं है। ये जस्ट इसका डेप्थ भी किसी को नहीं पता है कि ये कितना गहरा है। लकी थे कि यहाँ पे आने को मिल गया, वरना बहुत लोग बोल रहा था कि वापस हमको एयरपोर्ट पे बोला था एजवाल कि आप नहीं जा सकते हो, यहाँ पे क्लोजिंग है। बर्मा बाइक, दिस इज़ अ बेसिक बर्मा बाइक विच इज़ कॉमन हियर इन मिजोरम एज वेल एज इन म्यांमार। सी द नंबर, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये है हम लोग का चंपाई का कॉटेज, गेस्ट हाउस, यहाँ पे हम लोग रुके थे। ये कॉटेज 1000 रुपीज में मिला था। चेयर, सोफा, ये दो बेड, ये बालकनी है यहाँ पे। हाँ चलो, चंपाई का ट्रिप ओवर हुआ, अब हम लोग निकल रहे हैं डायरेक्ट आइजोल के लिए। दिखा रहा है अराउंड 200 किलोमीटर, और यहाँ से 7 आवर्स जर्नी है। मुझे कैसे भी दोपहर 3 बजे तक वहाँ पे पहुँचना होगा, वरना रात को बहुत इशू हो जाता है, मेरा कल सुबह 11:30 बजे फ्लाइट है। अभी मैं खौजाल गांव से गुजर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बोर्ड दिखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो आप यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट में सन डायरेक्टली आपके सर के ऊपर पड़ता है। रास्ता इतना ख़राब है यहाँ पे कि सुबह 7 बजे हम निकले थे और शाम का 6 बज रहा है, अभी भी हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो लास्ट में एक ट्रक जा रहा था, उनसे हेल्प मांगे हैं कि वो लोग मुझे ड्रॉप कर दें कि कल सुबह का फ्लाइट भी है। तो रात को 10 बज गया यहाँ पे आते आते, एक ट्रक में बाइक डाले और यहाँ पे आ गए। तो एक्चुअली मुझे दो ट्रक चेंज करना पड़ा, एक सेलिन तक आ रहा था जो 500 रुपया लिया, फिर यहाँ वहाँ सेलिन से मेरा होटल 1000 रुपये, तो टोटल 1500 रुपया मुझे पड़ा। बट ये वर्थ था क्योंकि ट्रक से मैं यहाँ पे अराउंड 10:15-10:20 पे रीच किया, और मैं अगर अपने से आता तो रात को शायद 1-2 बज जाता, फिर रहने के लिए भी कुछ मिलता नहीं। बट हाँ, और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मिज़ोरम के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग मैंने आज तक कोई भी स्टेट में ट्रैवल किया है इतने अच्छे नहीं देखे हैं। लोग अच्छे होते हैं बट ये यहाँ मिज़ोरम के पीपल बहुत काफ़ी अच्छे हैं। रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, फ्लाइट है 11:30 बजे, तो अभी आएंगे, बाइक वाले से बात करना है, उनको बाइक हैंडओवर करना है और फिर निकल जाना है। एक चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा था कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, एंड जहाँ जहाँ मैं गया, जो प्रॉब्लम में मैं रहा, वो लोग काफ़ी हेल्प किए। ऐसा कल भी जब मैं उतरा ट्रक से और यहाँ रास्ते में उतरा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैंने पूछा कि मुझे चलतलांग टूरिस्ट रिजॉर्ट जाना है, कैसे जा सकते हैं। तो उस बंदे ने, वो बाइक पे था, उसने मुझे यहाँ तक एस्कॉर्ट किया। सच ए नाइस पीपल फ्रॉम मिज़ोरम, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सेप्ट रास्ता, मिज़ोरम इज़ वेरी ऑसम, आप ज़रूर आओ यहाँ पे। जोएल, ही इज़ वेरी नाइस एंड वेरी हेल्पफुल।
and I'll give you his number in description. Whenever you come to Mizoram and you want to rent a bike, do call him, and it's very cheap and affordable. Thank you. ये ट्रिप यहीं पे एंड होता है, फिर अगले ट्रिप में फिर कहीं आपको, फिर इंडिया के किसी कोने में आपको लेके चलूँगा, वहाँ के कल्चर, नेचर और लोगों से मिलवाऊँगा, और तब तक के लिए मगधा, गुड बाय.